गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया? तो चलो, अभी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, मतलब कैपिटल जी के बारे में, एंड जिसका वैल्यू था 6.67 एंड 10 to the power -11। ठीक है, तो अभी यहाँ तक किन्हीं भी बंधुओं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो अभी हम लोग उसके आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट किया जाए। एक हम लोगों मैंने होमवर्क भी दिया था, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ जी, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आपको इम्पोर्टेंस बताना था। आप सभी आज होमवर्क दिखाएंगे इस चीज़ का। चलो, इसके आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो ये चीज़ है। अगर तो मैं पेन को रेडी कर लूँ, अभी हम लोग को एक चीज़ पढ़ना है, खैर इसमें रहने दो, नया पेज में स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू फाइंड करना है, फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है कि जब हमारा अर्थ और कोई एक मास है उसके बीच में क्या होगा, या फिर अर्थ और मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज मान मास अर्थ और मून के बीच में क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि व्हेन टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg, ठीक है, एंड इच आर 1 meter अपार्ट, मतलब कि वो एक दूसरे के मतलब कि उसके बीच का डिस्टेंस 1 meter का है। ये मान लो एक बॉडी है, ये मान लो एक दूसरी बॉडी है, इसका मास भी क्या है 1 kg नंबर, और इस बॉडी का भी मास क्या है 1 kg है। ठीक है, और ये इसके बीच का डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहां से ये आर का जो वैल्यू है ये 1 meter है। ठीक है, तो अभी हमको इसके बीच का फोर्स निकालना है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पे आप हेडिंग डाल देना, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, मतलब दो बॉडी के बीच में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे अब ये देखो। तो हमारा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। जी का वैल्यू आप लोगों को पता है क्या? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, 6.67 × 10 to the power -11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी की जगह पे लिख दो भाई, मास तो 1 × 1 ही है ना, और आर भी तो 1 ही है, तो क्या हो जाएगा 6.67 × 10 to the power -11। अच्छा, कभी तुम लोगों ने ये सोचने की कोशिश की है कि ये जो वैल्यू है ये कितना कम वैल्यू है, ये जो वैल्यू ये कितना कम है अगर आप इसको डिवाइड करके देख लो भाई। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन, मतलब ये देखो तो यार, अभी ये इसके आगे कितना पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा आगे, मतलब कितना माइन्यूट वैल्यू है, कितना माइन्यूट, मतलब इतना कम वैल्यू है ना ये, इतना कम वैल्यू है ना ये, कि जो मास है ना उसके बीच में वो ये फोर्स दिखता ही नहीं, जो यूनिवर्सल जो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमें दिखता ही नहीं, इतने इसका वैल्यू इतना ज़्यादा कम है कि हमें ये दिखता ही नहीं है। समझ में आया? तो ये तो हमारा दो बॉडी के लिए हो गया जब मास हमारा 1 kg है और वो एक दूसरे के अपार्ट में है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एफ का वैल्यू वो इतना स्मॉल है ना कि हम लोग वहां बोल सकते हैं कि वी कंक्लूड दैट कि जो दो पेयर है ना ऑब्जेक्ट, उसमें उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, उसमें लग तो रहा है, वो दोनों एक दूसरे से, ये जो दो ऑब्जेक्ट है ये दोनों एक दूसरे को खींच तो रहा है, बट ये हमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसका अंदर का फोर्स इतना ज्यादा कम है ना, इतना ज्यादा कम है, यही तो है, इतना कम है कि हमको दिख ही नहीं रहा है, इसलिए हमको क्या दिखता है, ये स्टेशनरी हुई है, वो एकदम अपने जगह पे फिक्स है। ठीक है, ये हमें हमेशा दिखता है। चलो, अब हम लोग दूसरा चीज देखेंगे इसी में कि जब अब हम
केस लेते हैं अर्थ का और किसी भी बॉडी का, जैसे न्यूटन बाबा ने किया था ना काम, अर्थ एंड अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, ठीक है, उस बॉडी का जो मास है वो 1 kg। तो एक चीज बताओ भाई, अरे यार ये फोन के साथ क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ये हमारा मान लो अर्थ है, अर्थ एंड अ बॉडी ऑफ मास 1 kg ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ सरफेस पे है और लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऑन द अर्थ सरफेस और लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस। अभी ये कोई एक मास यहाँ पे होगा, तो अभी ये देखो ये हो गया, तो अर्थ का जो रेडियस होगा, अर्थ का जो रेडियस होगा वही हमारा आर का वैल्यू हो जाएगा। तो अर्थ का रेडियस क्या होता है, 6 × 10⁻²। नहीं यार ये नहीं होता है, तो मास हो गया, और मास ऑफ ये क्या बोलते हैं बॉडी का क्या है, 1 kg है, और रेडियस क्या होता है कोई बताएगा, 6 पॉइंट, मैं भी भूल गया भाई, मेरे को देख लेना था। सिक्स पॉइंट फोर इंटू 10³ किलोमीटर, इसको अपन मीटर में चेंज कर लेंगे, इंटू 10⁶ मीटर। अभी तो समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों है, अब ये मत पूछना। खैर तो चलो अब बनाते हैं अपने काम पे, फोर्स निकालने का है, जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। एफ का वैल्यू क्या है, 6 पॉइंट सॉरी जी का वैल्यू 6 × 7 × 10⁻¹¹। एक का मास क्या है, 6 × 10⁻², और एक का मास क्या है, 1। रेडियस क्या है, 6.4 × 10⁻³, हम लोग 3 था तब किलोमीटर था, इसको मीटर में चेंज कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इसका होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर तुम कट कट करोगे, कट वट पूरा, तो द वैल्यू विल बिकम लाइक, बता रहा हूँ, से काटने की कोशिश करते हैं, ये मेरा कैलकुलेटर कहाँ चला गया, सॉरी यार बच्चों, आप लोग काटने की कोशिश करना, ठीक है, रुक जाओ। तो 6 × 10⁻², 64 × 64, ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। द वैल्यू विल बिकम लाइक 9.8। अभी मेरा कैलकुलेटर होता ना उस रूम में, मैं लेके नहीं आ सकता भाई, मेरे को जाना पड़ेगा क्लास को पॉज करके। तो ये क्या वैल्यू आ गई, एफ का वैल्यू 9.8 न्यूटन, ठीक है, एफ का वैल्यू क्या आ गया, 9.8 न्यूटन। मतलब कि अर्थ जो है हमारा वो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, 9 पॉइंट, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अर्थ एग्जिस्ट 9.8 न्यूटन ऑन, देख लो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, जिसका मास 1 kg का है। मास बढ़ेगा, ये वैल्यू चेंज होते रहेगा, ठीक है। अभी हम तुमसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा
ऊपर से सेब आके नीचे गिरा। तो क्या ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम लोग ऊपर की ओर गए? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम लोग ऊपर की ओर गए? तो भाई मेरे, जो अर्थ का मास है ना, वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है एज कम्पेयर टू द जो ऑब्जेक्ट है हमारा, कि हमें अर्थ का मूवमेंट दिखता ही नहीं है। ठीक है, हमें अर्थ का मूवमेंट दिखता ही नहीं है। हमें मूवमेंट किसका दिखता है? द ऑब्जेक्ट विच है लोअर मास, और बहुत ज्यादा ही कम है। कहाँ 1 kg, कहाँ 6 × 10⁻²⁴ वाला था। मतलब समझ में आ रहा है, इतना ज्यादा वैल्यू का डिफरेंस है। ठीक है, इसीलिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या दिखता है? अर्थ पे फ्रीली फॉल कर रहा है वो। ठीक है, अभी फ्री फॉलिंग का हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो वो भी यही चीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ पे फ्रीली फॉल करता है। वो अपना कोई फ्री फॉल मतलब क्या हो गया? उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जितना लग रहा है वो अर्थ की, अर्थ अपना अर्थ को उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो वही सारा है। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, व्हेन बोथ द बॉडीज आर हैवी, लाइक व्हेन बोथ द बॉडीज आर हैवी, मतलब दोनों का दोनों बॉडी हमारा क्या है? हैवी बॉडी है। ठीक है, तो लाइक वी कैन से डेट इज मून एंड अर्थ। मून और अर्थ को हम लोग बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके बीच में क्या हो रहा है। क्योंकि तो देखो, ये अगर हमारा फिर से वही लफड़ा हो जा भाई, चल जा, और ये रहा हमारा मून। उतना देखो छोटा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, ज्यादा ही, मतलब क्या बोल सकते हैं कि इतना छोटा तो नहीं कि नेगलेक्ट कर देंगे, बट इतना है कि हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया। तो अभी अर्थ का क्या था? 6 × 10⁴ मास ऑफ मून, mm लिखते तो तुम्हें कंफ्यूज हो जाता, इसलिए हमने mm नहीं लिखा है। 7.4 × 10⁰² kg। ठीक है, ये हमारा उसका हो गया। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर का वैल्यू क्या है? मतलब यहां से लेके इधर के, ये आर हो गया, तो आर का वैल्यू क्या है हमारा? 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। तो मीटर में चेंज कर लो, एट, ये देख, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 ये और 3 उसका 1000 का, 5 × 3 = 8। यहां तक क्लियर होगा सबको? जी अर्थ मून अपॉन आर, लगाओ फॉर्मूला, पाओ आंसर। कर लोगे पूरा आगे? द वैल्यू विल कम लाइक 2.01 × 10⁰², मतलब अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है, मतलब जो हमारा वहां पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, 2.01 × 10⁰² न्यूटन है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मून है वो हमारा अर्थ की ओर घूमते रहता है। ठीक है, जो मून है हमारा वो अर्थ की ओर घूमते रहता है। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को चीजें? नेक्स्ट चीज अब हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।